नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इंडिपेंडेंट टीवी में दो चैनल न्यू शुरू हो चुके हैं और दोस्तों ट्राई के बारे में न्यू अपडेट है वो भी बताऊंगा और डिश टीवी और एयरटेल में कौन से चैनल शुरू हुए उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर अगर नए आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बाजू में बेल आइकन दिखाई दे तो उसे भी प्रेस कीजिए ताकि डीटीएच के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपके साथ दोस्तों शेयर करेंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको पहले बता दूं कि इंडिपेंडेंट टीवी की बात करें तो दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि जो एचवी के जो चैनल्स है वो वापस शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ था दोस्तों, थोड़ी देर के लिए इंडिपेंडेंट टीवी में चैनल्स वो शुरू हो चुके थे और वापस बंद हो गए थे। यानी कि कई सब्सक्राइबर के मेरे पास कॉमेंट आए थे कि भाई थोड़ी चैनल शुरू तो हुए लेकिन वो बंद हो गए। तो दोस्तों उसका रीजन क्या था वो अभी तक जानने में आया नहीं। दोस्तों कुछ भी जानकारी आती है तो वो मैं भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों बात करते हैं इंडिपेंडेंट टीवी में दो चैनल जो शुरू है, तो यानी कि 651 एलसीएन नंबर है वो डिज्नी जूनियर करके जो चैनल था वो एड हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं, वो किड्स का चैनल है। और दोस्तों 442 एलसीएन नंबर पर हिंदी खबर का चैनल है, वो भी इंडिपेंडेंट टीवी के प्लेटफॉर्म पर शुरू हो चुका है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ट्राई की न्यू अपडेट की, तो दोस्तों ट्राई ने एक अपना कॉल नंबर दिया है और उसका जो मेल आईडी है वो भी दिया है, तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों वहां पर जाकर आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वो वहां आप बता सकते हैं और पैकेज के बारे में बता सकते हैं। यानी कि आप कोई भी डीटीएच के जो भी कस्टमर है, यानी कि आपको पैकेज चेंज में प्रॉब्लम है या पुराने पैकेज में चलना है, तो कोई भी प्रॉब्लम, यानी कि आपके जो भी डीटीएच में जो भी प्रॉब्लम है वो आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा और उसका कॉल नंबर भी दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप बता सकते हैं। तो दोस्तों एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में दो चैनल न्यूज शुरू हो चुकी है, जानो दुनिया, और दोस्तों वो उसका एलसीएन नंबर है 636 और दोस्तों समय कर्नाटका 988 का वो एलसीएन नंबर है, तो वो आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों एयरटेल में दो चैनल है वो रिमूव हो चुके हैं, यानी कि जय पारस और मूवी टीवी करके वो दो चैनल उस अपने प्लेटफॉर्म से दोस्तों हटा दिया है। और दोस्तों डिश टीवी की बात करें तो दोस्तों डिश टीवी में सन बंगला करके एक चैनल न्यू एयर हो चुका है, तो डिश टीवी के जो भी कस्टमर है वो अपने एलसीएन नंबर ढूंढ के वहां पर आप अपना वो चैनल देख सकते हैं। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट टीवी में ये दो चैनल नए शुरू हो चुके हैं, वो भी आप अपने डीटीएच प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे वो चैनल। और दोस्तों एचडी चैनल कल शुरू हुए थे लेकिन वो वापस बंद हो चुके थे, लेकिन क्या रीजन था वो मालूम नहीं पड़ा है। तो दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर कर दी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। और दोस्तों ट्राई के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर वो जो उसका जो कॉल नंबर है और जो उसका मेल आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों ट्राई ने एक अपडेट दिया है कि सभी डीटीएच के जो भी पैकेज पुराने चल रहे थे तो वहां पर अब जो पहले जो डीटीएच ऑपरेटर थे वो ब्लैकआउट कर देते थे जो भी पैकेज चल रहे थे, लेकिन वो 31 मार्च तक अब होगा नहीं। तो दोस्तों अब ट्राई ने ये ऑपरेटर को बता दिया है कि जिसका जितना पैकेज चल रहा है, यानी कि मान लो कि 250 का आपका पैक चल रहा है, तो दोस्तों 250 का पैक वो बना के आपको वो ट्रांसफर कर लेंगे। यानी कि आप अगर सिलेक्ट नहीं करते अपने चैनल तो दोस्तों वो क्या कर लेगा कि वही आपका जो पैकेज चल रहा है उतने ही पैसों में, यानी कि 250 या 280 या 300 का जो भी आपका पैक चल रहा है उसी हिसाब से आपका वो पैक बना के वो ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर कर दी है। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नई अपडेट के साथ।